हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब अच्छे होंगे, राइट? चलो, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर. हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर 1. दैट इज योर फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि आपका सिलेबस क्या है प्लस 1 का. ओके, तो पहली बात ये है कि केमिस्ट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. जनरल, फिजिको केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, सो इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन जनरल केमिस्ट्री में बेसिकली हम कौन कौन से चैप्टर्स कवर करेंगे, राइट? सबसे पहला चैप्टर हमारा आएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. आई थिंक आपने 9th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा ना, तो दिस इज बेसिकली अबाउट मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर. ठीक, एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर बोर्ड ऑल्सो. ओके, सेकेंड चैप्टर इज योर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी आप क्लास 9th में कर चुके हैं. थर्ड चैप्टर इज योर रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली आप पढ़ चुके हो 10th के अंदर अबाउट ऑक्सीडेशन, like reduction, etc. Right? Periodicity. I think you know all about periodic table. तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे periodic table के बारे में, जो आप class 10th में पढ़ चुके हैं already. Okay? Next is your chemical bonding. ये कुछ नया chapter है आपके लिए, but very important chapter. So basically ये 5 chapters बहुत important है chemistry के. अगर आप ये 5 chapters ढंग से कर पाओगे, तभी आप बाकियों को easily कर सकते हैं. Like periodicity is depends on inorganic. ठीक, chemical bonding is depend on organic. तो आपके ये basics clear होने चाहिए. ठीक है, इसमें कोई भी doubt बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको. Okay? So next part is your physical chemistry. First year states of matter. ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, solid, liquid, gas. ये उन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है यहाँ पर. States of matter. That is thermodynamics, equilibrium. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर इज इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक इज अबाउट पीरियोडिसिटी. अगर ये चैप्टर आपको आता होगा तो आप इजीली ये 3 चैप्टर्स कर लोगे. ओके, दैट इज हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. क्लियर? सो लास्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन. एंड बच्चों को ना बड़ा फोबिया होता है ऑर्गेनिक से कि भाई मुझे ऑर्गेनिक नहीं करनी है. ठीक है, बट डोंट वरी, हम ऑर्गेनिक बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और ऑर्गेनिक बहुत ढंग से करेंगे. तो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन हाइड्रोकार्बन्स, एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ प्लस 1 इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ठीक है, इसे मैं नहीं पढ़ाऊंगी. यू नो ऑल अबाउट सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एसिड रेन, इन सब के बारे में इसमें दिया होता है. ओके, दीज आर द 14 चैप्टर्स ऑफ प्लस 1 जो आपके सिलेबस में है. ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं आज आपके फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमने? सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं. आई थिंक यू नो ऑल About basics, yeah, right? सबसे पहले, what do you mean by chemistry? जहां तक हम सबको पता है कि chemistry क्या होती है, क्या है chemistry basically? It is the branch of science. हम सबको पता है कि एक ये science की branch है which deals with the study of matter. ठीक है ना, जो मैटर के बारे में बताती है उसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं. Which deals with the study of matter and its composition. Okay? अब हमने बात करी मैटर की. अगेन वी हैव टू नो व्हाट इज मैटर. यस,
Tell, what is matter? Kya hota hai matter? Yes, we know, we all know. Anything which has mass and occupy space is called matter, right? Anything which has mass and occupies space. Clear? Okay. Matter is of two types. Matter ke do tarike hote hain. Kaun kaun se? Matter is made up of mixtures and pure substances. ठीक है. अब मिक्सचर्स भी क्या होते हैं, आगे दो तरीके के होते हैं. वी नो दैट होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जो प्रॉपरली पानी में घुल जाते हैं, ठीक है ना, जो प्रॉपरली पानी में मिक्स हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर्स. हेटरोजेनियस कौन से होते हैं बेसिकली? जो पानी में प्रॉपरली नहीं घुलते हैं, जैसे कि सैंड इन वॉटर. और जो घुल जाते हैं, जैसे कि शुगर इन वॉटर. ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस इज अगेन ऑफ टू टाइप्स. वी नो दैट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ओके, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. बेसिकली एलिमेंट क्या है? जो कंसिस्ट करता है एक टाइप का पार्टिकल, एटम्स और मॉलिक्यूल्स. कंपाउंड्स क्या होते हैं? ठीक है, जो बहुत सारे एटम्स से, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स से कंबाइन करके बनते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड. ओके, ये तो था आपका बेसिक जो आप ऑलरेडी कर चुके हो. अब हम करते हैं जहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज योर फिजिकल क्वांटिटी. अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा? ये वो क्वांटिटी होती है जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, नाप या तोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि अब ये नोटबुक है, तो मैं एक इंच टेप उठाऊंगी और इस नोटबुक की लेंथ और ब्रेथ मैं इसकी मेजर कर सकती हूँ, राइट? तो ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी. लाइक आई एम राइटिंग ऑन दिस टेबल, तो दिस टेबल इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम इस टेबल का हम मेजर कर सकते हैं, राइट? तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, अब कोई भी क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे तो ऑब्वियसली इसके क्या होंगे? यूनिट्स, ठीक है ना. अब किसी की हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसे हम मीटर में मेजर करेंगे, किसी का हम मास मेजर कर रहे हैं तो उसे हम केजी में मेजर करेंगे, राइट? तो उसकी क्या होती है, वो यूनिट, ठीक है ना. मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसकी किसी चीज को मेजर करना, और मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, उससे एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट, दैट इज अ यूनिट. ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी. Now, physical quantities is of two types. Fundamental, और कहते हैं इसको basic physical quantity. Second is derived physical quantity. अब देखो, fundamental और basic physical quantities क्या होती हैं? देखो, अब basic का मतलब क्या है? अब like my name is Arpana Singla. ये अर्पना कहां से आया? ए से. मीन ए है अल्फाबेट, अल्फाबेट से बना वर्ड, राइट? तो मतलब कि अल्फाबेट क्या है, अपने आप पे एक बेस है जिसे हम यूज करके आगे कुछ बना सकें. मीन जो अपने आप में क्या हो, एक बेस हो. दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी. मतलब कि वो क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ना हो सके,
अब अल्फाबेट ए तो किसी पे डिपेंड नहीं करता ना, अर्पना ए पे डिपेंड कर रहा है कि ए से शुरू हो रहा है, बट ए डिपेंड किसी पे नहीं कर रहा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? दीज आर दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, दैट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। We have seven fundamental quantities. We have seven fundamental quantities, basic quantities, right? Kaun-kaun-si? First is length. Length ko measure kisme karte hain? Meter mein. Uska symbol kya hai? Small m. Okay? Chik. Second is mass. जिसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, जिसके यूनिट्स क्या है? केजी। थर्ड इज टाइम, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड्स में, जिसके यूनिट्स क्या है? सिंबल क्या है? एसईसी। फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, करंट को आई से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। टेम्परेचर, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? केल्विन, जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ओके, तो सिक्स्थ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिसे हम मेजर करते हैं मोल्स में एंड सिंबल इज MOL। योर लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में एंड डिनोटेड बाय CD। क्लियर यहां तक सभी को? ओके, your next quantity is derived physical quantities, right? अब derived quantities कौन सी होती हैं? कहता है derived quantities क्या होती हैं? जो fundamental पर depend करें, ठीक है ना? Which are derived from the fundamental physical quantity are called derived quantities. Example हम ले सकते हैं area. Area क्या होता है? Length into length, ठीक है ना? हमने length use किया, इसको यूज करके एरिया बना, राइट, विच इज मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। तो ऐसे एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास, डिराइव्ड के एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर बच्चों? यहां तक आगे करें? ओके, आगे हमारे पास टॉपिक आता है साइंटिफिक नोटेशन। देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? कहता है बड़ी वैल्यूज को हम किस वे में उसे हैंडल कर रहे हैं, या छोटी वैल्यूज को, बड़ी और छोटी वैल्यूज को हैंडल करना इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, हम एग्जांपल से बात करते हैं। 5600000000, राइट, अब हम प्लस वन में हो गए हैं ना, तो हम ऐसी वैल्यू से यूज करेंगे नहीं, हमें कुछ इसको जनरलाइज करना होगा, हमें कुछ इसको छोटा करना होगा, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं छोटा करके? 56 × 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 raised to power 8, ठीक है, 56 है या 56.0 लिखाओ, एक ही बात है। अगर मैं पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करती हूं, इफ पॉइंट शिफ्ट ऑन लेफ्ट साइड, तो पार हमेशा क्या हो जाती है?
इंक्रीज कर जाती है. तो 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर हो जाएगा 9. ठीक है, इसके लिए हम एक बड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं. वी हैव एग्जांपल 461.26 10 रेज टू पावर 21. मैंने ये ले लिया. ठीक है, मुझे बताना है, मुझे पहले इक्वेशन में इस पॉइंट को यहां लेकर आना है. आई वॉन्ट की 4.6126 पॉइंट लगी गई लेफ्ट में, कितने से? 2 से. तो कितनी पावर ऐड हो जाएगी यहां पर? 2. इट मीन 10 रेज टू पावर 23. अब मुझे पॉइंट लेके जाना है यहां पर, मीन्स 4.6126 पॉइंट 0 लगा दो. अब पॉइंट को किया राइट में शिफ्ट, तो पावर क्या हो जाएगी? डिग्री. क्या आ गया ये? 19. यू कैन राइट टुवर्ड्स लेफ्ट पावर इंक्रीजेस, टुवर्ड्स राइट पावर डिक्रीजेस. ओके, क्लियर? चलो आगे आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं. हाउ टू कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, जैसे कि तुम लोग करो साथ साथ कन्वर्ट इसको. जल्दी से कन्वर्ट करो और मैं लिखने से पहले आंसर निकाल कर रखो. निकाल लिए सबने फर्स्ट आंसर. एंड आई वांट कि आप सभी में पॉइंट लगाओ पहले नंबर के बाद. सभी में पॉइंट लगाना है फर्स्ट नंबर के बाद, उसी के अकॉर्डिंगली अपना आंसर बताओ. लाइक 4.82 10 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, 4.67. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 इसका 1 का 1 ही रहेगा. 10 रेज़ टू पावर 6, और इसे हम 10 रेज़ टू पावर 6 भी अकेला बोल सकते हैं. अब देखो, अब डेसिमल है ऑलरेडी, हमने इसको राइट में यहां शिफ्ट करना है. तो इट्स 5.3. और जब राइट में शिफ्ट करते हैं पावर डिक्रीज होती है, मतलब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. कितना? 1, 2, 3. तो 10 रेज टू पावर क्या आ जाएगा? -3. ओके, जैसे कि देखो और क्वेश्चन बताती हूँ. हम लेते हैं ओके 0.000783. एक और ले लेते हैं 0.000457. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आई वॉन्ट 7.83. यहाँ पॉइंट चाहिए, यहां से यहां 1, 2, 3, 4. 10 रेज टू पावर -4, क्योंकि हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं. यू हैव टू नो, ओके, राइट में शिफ्ट कर रहे हैं हम. तो सिमिलरली यहां से यहां 4.57 इंटू 10 रेज टू पावर 1, 2, 3, 4, 5, -5. क्लियर बच्चों? अब साइंटिफिक नोटेशन में एक और चीज आती है, दिस इज व्हाट? मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस. हम ये कैसे करेंगे इसके अंदर? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करते हैं. ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ. 5.6 10 रेज टू पावर 5, 6.9 10 रेज टू पावर 8. अभी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जहां तक हमें सबको पता है एक्चुअली कि अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो और एक्सपोनेंट की बात की जा रही है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड.
right? It means 5.6 into 6.9. एक ब्रैकेट में लिख दो 10 की पावर 5 प्लस 8. इसे मल्टीप्लाई करके आता है 38.64. 10 क्या हो जाएगा 30. आई वॉन्ट के डेसिमल कहाँ जाए, यहां पर आ जाए. तो 3.864 10 raised to power 49. क्लियर बच्चों? ठीक है, चलो एक डिबेटिव क्वेश्चन करते हैं. 2.7 into 10 raised to power minus 3 upon 5.5 into 10 raised to power 4. ओके, अब क्या होगा, क्या होगा? बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो, पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस. 2.7 upon 5.5 10 raised to power minus 3 minus 4. ओके, तो इसे डिवाइड करके आता है 0.4909 10 raised to power minus 7. आई वॉन्ट की पॉइंट कहाँ है? 4 के बाद. 4.909. अब हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना है. देखो ये जा रहा है राइट में, पावर क्या होगी? सब्ट्रैक्ट, -7 -1, तो क्या बन गया वो? -8. क्लियर? सिमिलरली हम करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल लेते हैं हम. पहला आ गए 6.65 10 raised to power 4 प्लस 8.96 5 into 10 raised to power 3. ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे? हाँ, अब अगेन आप लोग बोल दो. हाँ जी मैम, कैसे करेंगे? बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, वैसे ही बीच में ऐड दिया होगा. नहीं, अब हमने ऐसे ये नहीं करना. देखो हमने क्या करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, अब हम इनमें कुछ कॉमन लेंगे. 10 रेज़्ड टू पावर 3 है, इसे भी 3 कर दो. 10 रेज़्ड टू पावर 4 है, या इसे भी 4 कर दो. कैसे? ओके, मैं इसे 4 करना चाहती हूँ. 10 रेज़्ड टू पावर इंक्रीज, अगर इंक्रीज करनी है तो डेसिमल कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? लेफ्ट में. इट मींस 0.895 10 रेज़्ड टू पावर कितना हो गया? 4. 10 रेज़्ड टू पावर 4 के लिए मैंने कॉमन, अंदर क्या बच गया? 6.65 प्लस 0.895. क्लियर? उसे हम ऐड कर सकते हैं. अब उसे ऐड कर लोगे आप, ऐड करके आएगा ये 7.545 और साथ में क्या आ गया? 10 raised to power 4. ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, माइनस का ट्राई करते हैं. मैं एडिशन कर ली, सबट्रैक्शन करते हैं. 2.5 into 10 raised to power minus 2 minus 4.8 into 10 raised to power minus 3. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. अब अगेन दोनों के ब्रैकेट को सेम करो. मैंने क्या किया, मैंने इसको एज इट इज रखा. अच्छा, अब मैं चाहती हूँ इसको माइनस टू करना. माइनस टू मीन इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको प्लस वन करना पड़ेगा. प्लस वन करेंगे तभी तो माइनस टू होगा. ये अब क्या कर रहे हैं, पावर ऐड कर रहे हैं ना. तो इट मीन्स हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे. इट मीन्स 0.48 10 raised to power minus 2. इट मीन्स 2.5 minus 0.48 ब्रैकेट में लिखेंगे एंड 10 raised to power minus 2 क्या आ गया? कॉमन. तो आंसर बिकम्स 2.02 10 raised to power minus 2. This is your answer. Clear students? आई बात समझ सबको? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? No? चलो आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली है राउंडिंग ऑफ. अब ना हमें ना रूल्स भी बताओ था कि हमें राउंड ऑफ कैसे करना है किसी भी इक्वेशन को.
So rules for rounding off. Okay. Rule number one. First rule क्या कहते हैं? कहता है if the digits to be dropped, जैसे कि मैं example लेती हूँ 8.22. कहता है if the digits to be dropped is less than 5. अगर यहां पर क्या है वो less than 5, then the preceding digit, मतलब कि ये वाला, this is your preceding digit. कहता है then the preceding digit is left unchanged. तो ये वाला digit क्या रहेगा, sorry, ये वाला क्या रहेगा हमारे पास unchanged होगा, change नहीं होगा. It means 8.22 का आंसर क्या जाएगा आपके पास 8.2 only. ठीक है, अगेन दोबारा बताती हूँ मैं. If the digits to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. Change नहीं होगा, वो 8.2 ही रहेगा. Okay. Rule 2 क्या कहता है? एग्जाम्पल के साथ करते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास 6.87. अब क्या लग रहा है यहाँ पे, 5 से इंक्रीज कर गया. इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, अगर ये 5 से ज्यादा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तब यहां पर एक एड हो जाएगा which is equal to 6.9. Okay, दोबारा बताती हूँ. If the digit is dropped more than 5, then the preceding digit is raised by 1, which is equal to 6.9. Okay, बच्चों. Rule 3. अब Rule 3 क्या कहता है? अब वो कहता है मेरे पास क्या है, एग्जैक्ट 5 है. ठीक है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, कहता है अगर डिजिट क्या है 5 है, एंड फॉलोड बाय, अब ये क्या हो गया, फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0. कहता है ये जो 5 डिजिट फॉलो कर रहा है, यहां पे 0 ना हो उसके अलावा कुछ भी है, then the preceding digit is raised by 1. It means ये भी क्या हो गया 7.9. ठीक है, if the digit to be dropped is 5 followed by digit other than 0, then the preceding digit is raised by 1. Okay. Rule 4. हमारे पास 5 रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ के. ओके, फोर्थ रूल क्या कहता है? एग्जांपल से बात करते हैं हम. 5.250. इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड 5 और फॉलोड बाय 0, तो द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट unchanged. कब? If it is even. अगर ये even है तो ये unchanged वही रहेगा. अगर ये क्या हो गया odd, which is rule number 5, like 3.750. कि 5 के बाद तो 0 है लेकिन preceding क्या हो गया, odd हो गया, तो ये क्या कर जाएगा, एक से इंक्रीज कर जाएगा, रेज कर जाएगा. क्लियर बच्चों? दीज आर 5 रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ. क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, तो करें आगे. थक तो नहीं गए हो? बहुत मामूली चीजें हैं ये, तो छोटी छोटी सी बातें हैं, इसका आपने ध्यान रखना है. अब जो चैप्टर में स्टार्ट नहीं हुआ, ये चैप्टर बेसिकली इज अबाउट मोल कंसेप्ट, तो वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ. ठीक है ना, तो अभी तो ये बहुत
छोटी चीजें हैं जिसका आपने वैसे ध्यान रखना है, ठीक है। ये वैसे कॉम्पिटिशन में कम आता है, ये सिर्फ स्कूल बोर्ड में ही आते हैं ज्यादा टॉपिक। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज, बट आई फॉलोड एनसीईआरटी ओनली, राइट? क्योंकि देखो आपको हमेशा केमिस्ट्री में एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जस्ट एनसीईआरटी ही फोकस करनी है, चाहे आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम देना चाहते हो, आपका बोर्ड का एग्जाम है, कुछ भी है, आपका एनसीईआरटी से ऊपर केमिस्ट्री में कभी बाहर नहीं आता है। तो मैं हमेशा एनसीईआरटी को लेके ही पढ़ाती हूँ ताकि आपकी एनसीईआरटी टिप्स पर हो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर होती हैं जो हमें किसी भी मेजरमेंट की करेक्ट या एक्यूरेट वैल्यू बताए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे तो पॉइंट लगाया, मैंने लगाया सपोज यहाँ पे, दिख रहा है, ये 4 और 5 के बीच में लगाया। अब बताओ ये क्या करेक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है इसकी? देखो 2 हमें नजर आ रहा है और 2.5 और 4 के बीच में, ये 2.4 और आगे आएगा 2.5, इन दोनों में कहीं बीच में है, राइट? बट एक्यूरेट वैल्यू क्या हो यहाँ पर? 2.4। ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेट्स से ये 2.44 है। तो कहता है इस पार्ट में 2.4 तो क्या हुआ, कंफर्म एक्यूरेट करेक्ट वैल्यू, दिस इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या है? सिग्निफिकेंट है, जिसके बारे में प्रॉपरली पता है, ठीक है, करेक्ट है, एक्यूरेट है मेजरमेंट। This is your non-significant figure. Clear? आगे समझ यहां तक? Okay? आगे है इसके rules. कि significant कहां कहां होते हैं और कहां कहां नहीं होते हैं, ठीक है? फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल क्या कहता है? वो कहता है जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल 42.3, 1, 2, 3, has 3 significant figures. ये सारे क्या हैं? Significant हैं। 274.64, 1, 2, 3, 4, 5 has 5 significant figures. These all are significant. Okay? Second rule. Second rule कहता है अगर zeros क्या हैं, non zeros के बीच में हैं, कहता है all zeros occurring between non-zero digits that are significant। जितनी भी zeros हैं अगर वो non-zero के बीच में आती हैं तब भी वो क्या है, significant है। Example 2300089, देखो नॉन जीरो के बीच में जीरोस है ना, तो ये क्या है, सारे सिग्निफिकेंट हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5.604, चाहे पॉइंट भी लग गया बट जीरो तो नॉन जीरो के बीच में है, तो 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? थर्ड रूल, थर्ड रूल का कहता है बेसिकली, कहता है ऑल जीरोस
all zero to the left of non-zero digit. Okay, with or without decimal point are not significant. अगर zero left side of non-zero है, decimal लगा हुआ है चाहे नहीं लगा हुआ, वो significant नहीं होंगे. जैसे कि 0.0023 डेसिमल है, लेफ्ट में जीरोस हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ डिजिट्स काउंट होंगे, दैट इज टू सिग्निफिकेंट पीपल. 0000503 डेसिमल नहीं है तो भी जीरोस काउंट लेफ्ट साइड में नहीं होंगे, तो ये सिर्फ डिजिट्स काउंट होंगे. इट हैव थ्री सिग्निफिकेंट पीपल. क्लियर? ओके, सो रूल नंबर 4. इट हैज 6 रूल्स. रूल नंबर 4 कहता है ऑल जीरोस टू दी राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट. क्या समझ में आया? कहता है कितने भी जीरोस अब राइट साइड पर है नॉन जीरो के, बट वो क्या है विदाउट डेसिमल, विद नहीं बोला उसने अब, विदाउट डेसिमल तो भी वो सिग्निफिकेंट नहीं. 2300000 विदाउट डेसिमल तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है. इट हैज ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, लेकिन रूल 5 कहता है हमें, कहता है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द नॉन डिजिट्स इन अ नंबर विद द डेसिमल पॉइंट are significant. Example 0.2300 left में zero counted नहीं है but decimal लग गया और out right में counted होंगी, so it has a 4 significant figures. 343.00 बताओ क्या होंगी इसकी, 3 या 5? देखो डेसिमल राइट साइड पर है, राइट के बाद जीरो है और डिजिट्स के बाद जीरो है, तो ये काउंटेड है. 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट. ओके, रूल 5 इज सफिशिएंट है हमारे लिए. ओके ठीक, 2-3 क्वेश्चन बता देती हूँ. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है 307.0, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आप करो स्टार्ट को क्वेश्चन लिखते हैं. हाँ जी, फर्स्ट राइट साइड 0 इज counted with decimal, it has 4 significant figures. Left side decimals are not counted, right side is counted, 3 significant figures. Non-zero ke beech mein aa rahe hain, it is counted, 4 significant figures. Exponents are not counted, these are 4 significant figures. Okay, 8000 without decimal, they're not counted, the answer is 1. इसका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है. दिस इज योर 6th रूल आल्सो, दिस इज रूल नंबर 6. जैसे कि 8000 को मैंने 1 लिखा, 8 इज काउंटेड, क्या मैं इसको 8.0 10 रे पावर 3 लिख सकती हूँ?
अब इसका 0.0 काउंट हो गया राइट साइड है तो 2 आंसर. 8.00 10^3 लिख दूं 3 आंसर. 8.00010^4 लिख दूं 4 आंसर. 3 जीरोस थी, 3 तक ही हम ले जा सकते हैं. ठीक है, लेफ्ट साइड इज नॉट काउंटेड, इट इज टू सिग्निफिकेंट फिगर. पाई वी ऑल नो 3.1428571 अनलिमिटेड, सो इट इज infinite number of significant figures. Students, clear यहाँ तक? आ गया समझ सबको? तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ओवर. ओके, तो इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे डे टू लेक्चर टू, हम कल आएंगे पीछे. ओके ओके बाय. अब इसमें ढंग से कर लेना इस चीज को. ठीक ओके. Bye.